हिप हॉप बाजी में आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले 8 मोस्ट डेंजरस इंडियन रैपर्स के बारे में। अब ये डेंजर इनके डिस या बीफ को लेकर कंपेयर करेंगे और इन्होंने क्या क्राइम्स किए हैं इसके बारे में भी जानेंगे। वैसे हिप हॉप कल्चर ही गैंगस्टर्स का था और इंडिया में ऐसे कई रैपर्स हैं जो पहले गैंगस्टर्स थे, फिर उन्होंने हिप हॉप करने का रास्ता चुना जिससे उनका घर भी चल पाए। स्पेशली पुणे के 90% रैपर्स के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है और वो रैपर्स भी अंडरग्राउंड है। अगर कोई रैपर पूरे देसी हिप हॉप में किसी रैपर के साथ पंगा लेना चाहता है या डिस गेम खेलना चाहता है तो ये इन 8 रैपर्स से दूर ही रहे। अब इनमें से कुछ रैपर्स की पहचान इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है और कुछ लिरिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ रैपर्स से बीफ स्टार्ट करना मतलब जान दांव पे लगा लेना, क्योंकि वो बस डिस करने में बिलीव नहीं करते, सीधा सामने वाले को उड़ा देने में ही बिलीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पे न्यू हो तो भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो आते रहते हैं। और ये जो लिस्ट है वो मैंने अपने हिसाब से सेट की है, अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के वीडियो का शाउट आउट है आशमोन भाई को। लोग इंडिया में एक ही एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, आशमोन भाई DHH में कुछ न्यू लेकर के आए हैं। एक बार ही इनका गाना भसूड़ी जरूर चेक मार लेना, बहुत हार्ड लगा मेरे को ये गाना। सबके काम दिखाए, 15 साल का स्ट्रगल कोई गांड नहीं मराई, ऐसी कोई बंदी बच्चे नहीं जिसकी ठुकाई मैं मुंह से नहीं बोलता, मेरी प्रूफ है लिखाई, करूं ना ससों का फिर भी गला मेरा गीला, तू सोच छोड़ शर्म कमल कैसे खेला, तेरा जोड़ने फेंक यहां सच मुझके फेला बचा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सपोर्ट करो ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को। तो भाई लोग, लिस्ट में 8 नंबर पे आते हैं मिस्टर वर्सिटाइल। इन पर धारा 302 लगी थी जो कि किसी को ऊपर पहुंचाने पे लगती है, और इन्होंने उस गाने को एक्सप्लेन करते हुए पूरा सॉन्ग बनाया है। सॉन्ग का नेम है केला मर्डर और इन्होंने पूरे सीन भी बताए हैं उस गाने में। मिस्टर वर्सिटाइल पुणे पी टाउन के रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पुणे के लगभग सब रैपर्स के ऊपर कुछ न कुछ केसेस हैं और वर्सिटाइल को MC Dido का भी सपोर्ट है। एक्चुअली ये उनके ग्रुप से बिलोंग करते हैं। MC Dido कौन है ये हम आपको आगे बताएंगे। और वर्सिटाइल का ये रैप बैटल वाला झगड़ा भी काफी वायरल हुआ था। तो ऐसे सन की रैपर्स को डिस करने से पहले कोई दो बार सोचेगा। नंबर 7 पे आते हैं पुणे के ही रैपर शायद ही कोई इन्हें डिस करना चाहेगा। नंबर 6 पे आते हैं MC Dido। MC Dido पुणे अपर कोंधवा के रहने वाले हैं और वहाँ इनकी पहचान और इनकी गैंग बहुत तगड़ी है। इनकी पुणे के रैपर्स के साथ बहुत अच्छा संबंध है। पुणे PCMC के जो रैपर्स हैं वो भी MC Dido के सपोर्टर्स हैं और वो सब भी गैंगस्टर हिप हॉप को सपोर्ट करने वाले हैं। मिस्टर वर्सिटाइल भी इनके ही दोस्त हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है। बीफ की वजह से इनका सीन बहुत वायरल हुआ था और संबाडा वर्सेस डीडो की बीफ में पता चला है कि फिजिकली MC Dido ही विन हुए थे, क्योंकि पहले ही संबाडा ने MC Dido के होमी को मारा था। फिर जब संबाडा गए थे MC Dido के हुड पर अपर में, तो संबाडा को MC Dido और उनको होमीज ने भी बहुत पीटा था और इसकी वीडियो भी देखने को मिल जाती है यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख सकते हो। और इनकी गैंग भी बहुत पावरफुल है और इतना सपोर्ट होने के बाद भी कोई रैपर शायद ही इनसे भिड़ना चाहेगा और डिस करने से ज़्यादा ठोकने में बिलीव रखते हैं ये। यूं ही किसी से भी नहीं उलझते। मैंने जब MC Dido से बात किया था तो ये वैसे काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और ये एज अ आर्टिस्ट सबको रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में ही क्यों ना हो। और ये MC Stan के भी बहुत अच्छे दोस्त है, यहाँ इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं विवियन डिवाइन। तो विवियन डिवाइन के पास को चेक किया जाए तो विवियन का लफड़ा हुआ था MEV के साथ और उस डिस में MEV थोड़ा ऊपर थे, फिर भी विवियन इतने पॉपुलर रैपर है। इन्होंने सिद्धू मूसेवाला और कुछ इंटरनेशनल रैपर्स के साथ भी कोलैब किया है। इनका खुद का लेबल भी है गली गैंग। तो अगर कोई रैपर डिवाइन से पंगा लेता है उसका मतलब वो पूरे गली गैंग से पंगा ले रहा है। और गली गैंग में तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे राइटर्स हैं और डिवाइन के पास भी बहुत बड़ी टीम है।
जो उनको पीछे से सपोर्ट करेगी। और तो डिवाइन की इंडस्ट्री में भी काफ़ी जान पहचान है, उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, बहुत बड़े बड़े लेबल्स के साथ काम किया है। तो कोई अगर डिवाइन को अभी डिस करना चाहते हैं तो वो अपने रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आगे जाके उनकी करियर ग्रोथ में कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। तो भाई नंबर 4 पर आते हैं सिकंदर कालोन। और ये जो रैपर हैं ये खुद को थोड़ा भी नहीं रोकते हैं, बीफ में टोटली घुस जाते हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं, ब्रूटल डिस्ट्रैक निकालते हैं। पास में सिकंदर कालो ने ये प्रूव करके दिखाया है उनकी लेवल कितनी ज़्यादा ऊपर है बीफ के मामले में। इन्होंने डिस किया था सनी माल्टन को और उन्होंने पूरा का पूरा EP बना दिया था सनी माल्टन के ऊपर। एक डिस्ट्रैक नहीं बल्कि पूरे के पूरी EP 5 गाने बैक टू बैक ड्रॉप किए थे, मतलब अपोजिशन वाले बंदे का पूरा करियर ख़त्म करने वाले डिस्ट्रैक। तो अगर कोई रैपर को अपनी इज्जत प्यारी है तो मत भिड़ना इस रैपर से, सिकंदर कालो। तो भाई डेंजरस रैपर्स की लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं रफ्तार। तो भाई इन सब रैपर्स की लिस्ट में रफ्तार भाई ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पहचान है पूरी इंडस्ट्री में। इनको बहुत सारे शोज के जज भी बनाए गए हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या देसी हिप हॉप हो। इनकी रिस्पेक्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, तो भाई पहला लॉस हो जाएगा अपोनेंट को कि उनका करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके साथ रफ्तार के पास अपना लेबल रिकॉर्ड भी है कलमकार, जो कि रफ्तार को सपोर्ट करेगी। और रफ्तार बहुत अच्छे डिस गेम में, ये रफ्तार में प्रूव भी किया है। इक्वल टक्कर दी थी रफ्तार ने MVA को। तो कोई भी रैपर चाहता है रफ्तार से भिड़ना तो उसे ये बहुत भारी पड़ेगा। बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 2 के रैपर की, तो वो हैं हमारे अपने MC Stan। और MC Stan को किसी चीज़ का डर नहीं है, ये उन्होंने प्रूव कर लिया था अपने करियर के स्टार्टिंग में ही। सीधा डिस किया था MVA और डिवाइन को, और MC Stan ने ही इंडिया में डिस कल्चर को बढ़ावा दिया था, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। और बात है अभी के समय की, तो MC Stan बहुत पॉपुलर हो गए हैं DHH में। और सबसे बड़ा एडवांटेज है इनको इनकी फैन बेस का, इनकी फैन बेस बहुत कट्टर फैन फॉलोइंग है। तो अगर MC Stan रिप्लाई करे ना करे सामने वाले को, इनके फैंस ही डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी हैं। अभी के टाइम MC Stan का नेम लेने से ही बवाल हो जाता है। और ये भी रैपर्स बिलीव करते हैं रियल बीफ करने की। इनके पास 2 शार्प शूटर है जिनका नेम आकाश है और प्रतीक लास्टकिन भी इनके होमी हैं। आकाश के ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं और ये घर पे कभी नहीं, चौकी में ही या तड़ी पार ही मिलते हैं। आकाश के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो पूरे वीडियोस पड़े हैं YouTube पे, उन्होंने क्या क्या किया है। और MC Stan भी कम नहीं है, स्टैन के ऊपर 307-326 तक लग चुकी है, ये तो सबको पता ही होगा। और इनका डिस गेम में सबसे यूनिक और सबसे अलग स्टाइल है। तो कोई अभी के टाइम पे स्टैन से पंगा लेना चाहता है तो वो अपनी जान पे खेल के ही ले सकता है, और अपना करियर भी ख़त्म कर रहा है। अब लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं कृष्णा। अब पास्ट में ही कृष्णा ने मूफर और MVA को पीछे करके ये बता दिया है कि वो डिस गेम में किस हद तक जा सकते हैं। क्लासिक डिस से लेके ब्रूटल लिरिक्स डिस में पहले नंबर पर आते हैं कृष्णा। इनसे लिरिकल शॉट्स में कोई नहीं जी सकता। इसके अलावा कृष्णा को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो भी कलमकार लेबल से आते हैं, और DHH में कलमकार के पास एक से एक आर्टिस्ट पड़े हैं जो कि सब कृष्णा को सपोर्ट करेंगे। तो कृष्णा के साथ बीफ करने का मतलब है तुम रफ्तार के साथ भी अपने रिलेशन खराब करते हो और पूरे कलमकार के साथ भी पंगा लेते हो। तो कृष्णा के क्रेजी लिरिकल शॉट के अलावा उनके पास ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये थे कुछ डेंजरस रैपर्स की लिस्ट, और ये मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से बनाया है। इसमें अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को भी रिप्रेजेंट किया है और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैंक किया है। आपकी कुछ अपनी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आर्टिस्ट हो गए तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, शॉर्ट आउट दे देंगे।